संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः तपो भिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षु नामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेध्यति। अहो अहम् नमो महम् विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तप्रयन्तं च जगत् अशोऽपि तिष्ठत। अहो अहम् नमो मम एकोऽहम् देववानपि कञ्चिन्न गन्तनागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थिता। अहो अहम् नमो अहम् दक्षो नास्ति ममत्समः असत्सत्स्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। अहो अहम् नमो अहम् यस्य मे नास्ति किञ्चिन अथवा यस्य मे मे सर्वं यदवाङ्मत्सगोचरम् ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता तित्रे नास्ति वास्तवम् अज्ञानादं भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। हरि ओम्। वेलकम टू दिस न्यू सीजन जिसमें हम अष्टवक्र भगवत अष्टवक्र गीता पे चर्चा करेंगे। ये अष्टवक्र गीता राजा जनक और अष्टवक्र के बीच का संवाद है। ये अष्टवक्र गीता वो संवाद है जहां पे ज्ञान विज्ञान विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया। ये वो ज्ञान है जहां पे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। सीधी की सीधी 24 कैरेट की बात की गई। तो यहां वहां की ना बात कर ये बता कि कारवां लुटा कैसे। कोई साधना नहीं कही गई, कोई तरीका तौर तरीका नहीं बताया गया। सीधा लक्ष्य पे चोट मारी गई है। वो लक्ष्य क्या है? अहम् ब्रह्मस्मि। वो लक्ष्य क्या है? तत्त्वमसि। तो किसी और चीज पे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई और बात नहीं, कोई और विचार नहीं, कोई और सहारा नहीं। इसलिए कोई प्रोसेस नहीं है। अब कहीं से भी शुरू कर दो अष्टावक्र गीता। एक फिल्म है ना जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं हम जहां शुरू होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अब अष्टावक्र गीता आखिरी श्लोक भी पढ़ लो तो वही बात कही जाएगी जो पहले श्लोक में। श्रीमद भगवद गीता में प्रोसेस है। श्रीमद भगवद गीता में एक सिस्टम है, एक रिदम है, एक नियम है, एक प्रोसेस है। लेकिन अष्टावक्र गीता हीरे हैं, हीरे और जहां हीरे हैं जहां मर्जी से उठा लो। इसलिए यदि आप भगवद गीता पढ़ते हो, यदि आप भगवद गीता पढ़ रहे हो और आप पढ़ते पढ़ते आपको
पहले चैप्टर का सीक्वेंस नहीं पता, क्योंकि पहले में भोगी योगी सन्यासी ज्ञानी तक आया। यदि आपने पांचवा अध्याय पढ़ा होगा तो पहले भोगी है, फिर योगी है, फिर सन्यासी है, फिर ज्ञानी। प्रोसेस है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैं उसका कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, वो प्रोसेस जरूरी है, लेकिन वो प्रोसेस में फंसे नहीं। अब आप चाहे कोई भी प्रोसेस अपनाओ, फाइनल डेस्टिनेशन मैच्योरिटी है, फाइनल डेस्टिनेशन है नथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड डिस्टर्ब यू। नथिंग मींस नथिंग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड अपसेट मी। यदि पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ डिस्टर्ब्स मी तो टर्नेडो का क्या होगा। तो अष्टावक्र गीता जी में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, एक आइडिया। जैसे कबीर जी के दोहे, कबीर जी के जो दोहे हैं वो एक अपने में पूर्ण है। गागर में सागर है, इसलिए आप यदि पहले दो चैप्टर आपने यदि नहीं करे, यदि आज हम दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक से करेंगे, तो यदि आपने पहले दो चैप्टर नहीं करे, इट डजंट मैटर बिकॉज कोई नई बात बोली नहीं गई, एक ही बात बार बार बोली गई है। इसलिए अष्टावक्र प्रोसेस पे नहीं चलता, मंजिल पे चलता है। अष्टावक्र सिस्टम पे चलता है, सिस्टम पे नहीं चलता, डेस्टिनेशन पे चलता है। तो यहां वहां की ना बात कर, मुझे फाइनल बता ये हुआ तो हुआ कैसे। तो वो जो मैच्योरिटी है वो हम इस समय बात करें, हमें प्रोसेस चाहिए। आप और जो हम सुन रहे हैं गीता जी को यूट्यूब में या कहीं पे भी या जूम में, हमें प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस के लिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए साधना है, वो साधना का है, साधना का फाइनल गंतव्य बताए। लेकिन अष्टावक्र गीता में कोई साधना नहीं दी गई, सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन बताया गया। और क्यों बताया गया? ताकि हम कन्विंस्ड हो जाएं, हम में कन्विक्शन आ जाए कि आप इस दुनिया में किस लिए टपके हो, आप इस दुनिया में किस लिए टपके हो। यह बात आपको समझ आनी चाहिए कि हम सब लोग इस संसार में आए हैं अपने स्वयं को जानने के लिए। तो 12 श्लोक नंबर 12 13 14 जो श्लोक हम करेंगे आज, 12 13 14 है, इट्स नोन एज हिम्स टू द सेल्फ, अपने आप को श्रेष्ठ कहना। साउंड्स वेरी इकोटिस्टिकल। वी आर नॉट सन ऑफ गॉड, वी आर नॉट द गॉड की परछाई नहीं, हम परमात्मा के संतान नहीं है, हम परमात्मा की अंश नहीं है। तत्त्वमसि मीन्स यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर दैट एब्सोल्यूट इमैकुलेट वन। सो आज हम शुरू करते अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 से। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, जिसमें हम हर उस बात को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो हमारे जीवन से सरोकार रखती है। अहो अहम नमम नमो मध्यम एको हम देहवानपि क्वचिन्न गंतनागंता व्याप्य विश्वमवस्थिता। अहो अहम नमो महम्यम एको हम देहावानपि क्विंचिन गंता न गंतंता व्याप्य विश्वविवस्थिता। श्लोक नंबर 12 कहता है, श्लोक नंबर 12 कहता है, अमेजिंग सल्यूटेशन टू मी हु इज वन हु अपियर्स विद द बॉडी नाइदर गोस नॉर कम्स एनीवेयर एंड प्रवेड्स ऑल द वर्ल्ड्स। आचार्य मुझ आश्चर्य है
ये जनक बोल रहा है अष्टवक्र को, आश्चर्य है मुझको नमस्कार है, मैं एक ही ईश्वर वाला हूं, एक हूं, शरीर वाला होते हुए भी जो ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। ना कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो वो हम देखें। वर्स नंबर 12 कहता है, मार्वलस एम आई, मैं मार्वलस हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। एडोरेशन टू माई सेल्फ, हू, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। अब सोचोगे तो बात बड़ी बड़ी अजीब है, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। ना प्लीज, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, सामने एक फोटो दिखा रहा हूं। आपने कभी नोटिस किया है जितने भी साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनमें पीछे एक मिरर लगा होता है, आई एम शोइंग इट टू यू, फोटोग्राफ्स है। जितने भी साउथ इंडियन के टेम्पल्स होते हैं, साउथ में, नॉर्थ में भी होते हैं कई जगह, वहां भगवान के पीछे एक मिरर डला होता है, आई एम शोइंग यू द फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी। एक सेक्ट है केरला का जहां पे जो मेन आइडल है वो मिरर है। मिरर रखने का क्या मतलब है यहां पे? मतलब यह है कि आप ढूंढ किसको रहे हो, आप किसको चाह रहे हो, किसको प्राप्त करना चाहते हो। मैं आश्चर्य में हूं, आई एम वंडर स्टक्ड, जनक कहता है मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं, मुझको नमस्कार हो गए। देहधारी होते हुए भी मैं देह में हूं लेकिन अद्वैत हूं, मैं कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं और फिर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। मैं चलता नहीं हूं लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं हूं जहां मैं हूं नहीं। इसे आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मैं निर्गुण हूं, निर्गुण मीन्स मेरे में कोई गुण नहीं है, और मैं सर्वगुण हूं, मेरे सारे गुण है। मैं कहीं चलता नहीं कहीं जाता नहीं लेकिन मैं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां जा नहीं सकता। मछली और पानी के बीच में रेस हुई, मछली और पानी के बीच में रेस हुई, मछली पानी में कौन जीतेगा, पानी ना चलता हुआ भी सब जगह है तो भगवान। सो जिन्होंने जो आज पहली पहली बार सुन रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं, वेदांत का, सांख्य का, अद्वैतवादियों का बेसिक आइडिया क्या है। शास्त्र कहते हैं, हमारे सांख्य योग कहते हैं, हर आदमी दो चीजों से बना हुआ है, हर मनुष्य, परमात्मा प्लस मैटर, जड़ और चेतन। आत्मा परमात्मा प्लस मैटर, बैटर तीन चीजों से बना हुआ है, रफली सेइंग बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। हर आदमी संसार में, हर आदमी, हर चाहे गोरा हो, अमीर हो, गरीब, फ्रेंच हो, इंडियन हो, स्पैनिश हो, जर्मन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी जीव है संसार में, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जो भी जीव है, लाइफ है, वो दो चीजों से बनी हुई है, जड़ और चेतन। चेतन मतलब आत्मा, चेतन मींस प्रभु, चेतन मींस इलेक्ट्रिसिटी, चेतन मींस इलेक्ट्रिसिटी। जड़ जो है वह है बल्ब। तो जड़ और चेतन, द मैटर एंड द स्पिरिट कंबाइंड क्रिएट्स दिस इंडिविजुअल। नाउ हम अपने आप को बीएमआई सोच लेते हैं, हम आप अपने आप को सोचते हैं मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं, मैं इंटेलेक्ट, इसी दायरे में रहते हैं। बॉडी ठंडी गर्मी लगती है, बॉडी में सर्दी गर्मी लगती है, बॉडी में सर्दी गर्मी भूख प्यास लगती है, मन में सुख दुख आता है और बुद्धि में मान अपमान होता है। मन में सुख दुख आता है और बुद्धि में मान अपमान होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान हमसे इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि मैं अपने आप को बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मानने लगता हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। हम अपने आप को वो मानने लगते हैं
जो हम है नहीं। अष्टवक्र गीता कहती है यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट, यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस। वेद उपनिषद टंके की चोट पे बोलते हैं ये बॉडी आपकी है, आप बॉडी नहीं, आपकी बॉडी बदल रही है। बचपन की शरीर, जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर बदल गया, मरने के बाद शरीर यही रह जाएगा। शरीर आपको मिला, आप शरीर को धारण किया। जैसे मैंने बताया आप पूना स्टेशन में हो, आप पूना स्टेशन नहीं हो। आपको फोन करता है कोई, आप ट्रेन में हो, आप फोन करता है, आप पूना स्टेशन के ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है, आप पूना स्टेशन की ट्रेन में रुकी है, फोन पर कोई पूछता कहां पहुंचे, आप ये तो नहीं कहते मैं पूना हूं, आप ये तो नहीं कहते मैं पूना हूं, आप कहते मैं पूना स्टेशन में हूं। थोड़ी देर बाद आगे और ट्रेन चली, आप थोड़ी देर बाद उस आदमी का फोर फोन आया और आपने पूछा मैं लोनावला में हूं। अब आपकी ट्रेन कहां चलेगी, लोनावला में पहुंच गई। अब लोनावला में तो आप ये नहीं कहते मैं लोनावला हूं, मैं लोनावला में हूं। अब मुंबई पहुंच जाते हो, आप ये तो नहीं कहते मैं मुंबई में हूं, मैं मुंबई हूं, मैं मुंबई में हूं। आप इस शरीर में हो, आप शरीर नहीं हो। आई रिपीट, आप इस शरीर में हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप इस मन, आपका मन है, आप मन नहीं हो। आपकी दिमाग है, आप दिमाग नहीं हो। आप बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को धारण किया हुआ है, ये आपकी उपाधि है। उपाधि मीन्स ऊपर से लादी गई, आपको डॉक्टर की उपाधि दी गई, आपको लॉयर की उपाधि दी गई, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि दी गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पैदा नहीं हुए थे, आपको उपाधि मिली और कुछ गलत काम कर दिया, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपने इलीगल काम कर लिया तो आपसे वो उपाधि छीन ली जाती है। आपसे उपाधि, तो ये शरीर मेरी उपाधि है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect. You are not the body. Body आपकी है, मन आपका है, शरीर मन बुद्धि आपका है। अष्टवक्र जनक कहते हैं तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि। तो hymns of self है। आत्मा चलती नहीं, आत्मा कहीं चलती नहीं, और ऐसी कोई जगह है नहीं जहां है नहीं आत्मा। परमात्मा एक ही नाम है, गुब्बारे हैं। बहुत बार मैंने कहा हम सब गुब्बारे। देखिए मैं मोनोटोनसली रिपीट कर रहा हूं ये बातें पिछले कई महीनों से, अष्टवक्र गीता जब से चली है और आत्मबोधा में भी यही थी। आई एम रिपीटिंग अगेन, आत्मबोधा अष्टवक्र गीता कोई साधना नहीं है, ये मंजिल है। और मंजिल क्या है? अपने आप को जानो, अपने स्वयं को जानो। और जब आप स्वयं को जानते हो देन यू एप्रिशिएट हु एम आई, तो ये फिर प्रपंच में नहीं फंसते। तो पूरे साउथ इंडियन टेम्पल्स में, मंदिर में मिरर रखा जाता है। आई एम शोइंग यू द फोटोग्राफ ऑफ की जस्ट टू गिव यू माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मिरर है पीछे, यू ऑलवेज फाइंड मिरर इन द बैक ऑफ द गॉड्स। कई जगह तो सामने भी होता है। रीजन, क्योंकि तुम क्या किसको ढूंढने आ गए हो? मंदिर में किसका दर्शन करने गए हो? किसका अनुभव करने गए हो? किसको देखने गए हो? आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्ञान, आत्म विभूति, आत्म ज्ञान। और वो आत्म क्या है? तत्त्वमसि। लेकिन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पे जब अटेंशन हो, जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पे थॉट हो, तो आत्मा ऐसे लगती है जैसे नॉन असेंशियल है। तो उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है।
तो ये 12, 13, 14 श्लोक में हिम्स ऑफ सेल्फ, अपने आप को, अपने अपने बारे में स्वयं को जानने का प्रयास है. दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. इट्स नॉट एन ईगो. कई लोग सोचते हैं ये बहुत ईगो है. ईगो नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. आप निमाणे नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, बेचारे नहीं हो. आप क्या हो? श्लोक नंबर 13 अष्टवक्र गीता, श्लोक नंबर 13 चैप्टर नंबर 2. अहो अहम नमो महम दक्षो नास्ति हमत्समा असप्सम प्रश्य शरीरेण येन विश्वम चिरं धृतम्. अहो अहम नमो अहम दक्षो नास्ति हमत्समा असप्सप्रश्य शरीरेण येन विश्वम चिरं धृतम्. कहते हैं राजा जनक, अमेजिंग अमेजिंग सैल्यूटेशन टू मी हु इज स्किल्ड एंड देयर इज नो वन एल्स लाइक हिम who is without even touching this body, holds all this world. 13वां श्लोक कहता है, आश्चर्य है मुझको, मुझको नमस्कार हो जो कुशल है, जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने शरीर को बिना स्पर्श करते हुए भी इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है. आश्चर्य में मुझे नमस्कार हो, मेरे से बड़ा कोई निपुण नहीं है. मैंने शरीर को स्पर्श किए बिना ही सारे संसार को धारण किया हुआ. शास्त्र इसको एग्जाम्पल से बताते हैं. तो एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे तलवार मायान में हो, जैसे तलवार मायान में है, तलवार मायान के अंदर है लेकिन मायान को टच नहीं करती. तलवार मायान के अंदर है लेकिन मायान को टच नहीं करती. सिमिलरली हम सब शरीर, आत्मा शरीर के साथ गुत्थम गुत्था है. आत्मा शरीर मन बुद्धि के साथ गुत्थम गुत्था जुड़ी हुई है लेकिन फिर भी जुड़ी नहीं. सिनेमा स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हो, आग ही आग है, टावरिंग इन्फर्नो मूवी चल रही है, टावरिंग इन्फर्नो मूवी चल रही है, सीन आग ही आग है, सारी स्क्रीन में आग लगी है और आप स्क्रीन में जाके हाथ डालो तो स्क्रीन कूल लाइक कुकुम्बर है, ठंडी है. बिना स्क्रीन के कोई आग नहीं देखी जाती लेकिन स्क्रीन का आग से कोई लेना देना नहीं. अगला सीन है, I remember when I was kid I was watching this movie Towering Inferno. I was like, I think Priya Cinema में देखी थी दिल्ली में, मल्टी सिनेमा ह्यूज, उस समय तो मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे, ह्यूज 70 mm पे टावरिंग. आई स्टिल रिमेम्बर, छोटा था ना, तो भयंकर आग, सारी फिल्म में ही था, अरे आग कैसे भूखी पूछेगी. लेकिन उस समय स्क्रीन में हाथ रखता तो शायद आग नहीं थी. इन द लास्ट सीन है, ऊपर के टैंकर तोड़े जाते. इफ यू रिमेंबर द टॉवरिंग इन्फर्नो, ऊपर के जो पानी के टैंक उसको ब्लास्ट किया जाता है एंड उस ब्लास्ट से पानी नीचे आता है एंड देन अग्नि सबसाइड होती है. और जब पानी बह रहा था स्क्रीन के अंदर तब आप टच करो स्क्रीन को, ड्राई Like a leaf. बिना स्क्रीन के ना तो पानी है ना ही आग है लेकिन स्क्रीन का आग से और पानी से कोई नाता नहीं है. बिना प्रभु के पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिना प्रभु के पत्ता भी नहीं हिल सकता लेकिन प्रभु का किसी के कार्य से कोई लेना देना नहीं. I am repeating monotonously. I will repeat it. बार बार रिपीट करूंगा. आपने
पहाड़े कैसे याद करे थे, अपने पहाड़े कैसे याद करे थे। बार 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 रिपीट कर। तो ये बार बार आपको बताया गया, तू बेकार है, तू बेकार है, तू निमाना है, तू दीन है, तू दरिद्र है, तू बेचारा है, तू अबला है, तू खराब है, तेरी किस्मत खराब है, बार 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 आपको बोला जाता है। बार बार आपको बताया जाता है दुनिया बड़ी खराब, दुनिया बेकार है, दुनिया ऐसा है, दुनिया नहीं, ये दुनिया दुख है, दुनिया दुख है, दुनिया दुख है, दुनिया दुख है, दुनिया दुख है। ऑफकोर्स विचार करो तो है, लेकिन उसका उसका एंटीबायोटिक्स भी तो लो। एंटीबायोटिक्स क्या है? मैं यहां पे टूरिस्ट हूं, मैं यहां पे एक सर्जन के लिए आया, थोड़े समय के लिए आया, कितने समय के लिए आया हूं पता नहीं, लेकिन आए सब तलवार जैसे मायान में। आश्चर्य आश्चर्य कहते हैं ऋषि, अष्टवक्र कहते हैं आश्चर्य। मैंने शरीर को स्पर्श किए बिना ही विश्व को सदा धारण किया हुआ है, पूरे संसार को मैंने धारण किया हुआ, स्पर्श नहीं किया, जैसे मायान तलवार ने मायान को स्पर्श नहीं किया, लेकिन तलवार मायान के भीतर है। तो ये आत्मा जो है हमारे भीतर बाहर विराजमान है, और वो भीतर बाहर विराजमान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। श्लोक नंबर 14 अष्टवक्र गीता, श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 2। यदि आपके पास ये वर्ष मैंने पिछली बार भेज दिए थे आपको, ये श्लोक मैंने आपके पास भेज दिए थे, यदि नहीं है तो आपको मैं कल फिर भेज, आज फिर भेज दूंगा, जिनके पास नहीं है तो मुझे मैसेज दे दे, नहीं तो मैं सब ग्रुप में ही डाल दूंगा। तो आपके पास चैप्टर 2 पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा, 25 श्लोक है। तो अब हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 2। अहो अहम नमो महम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वय वाङ्मन संगोचरम्। अहो अहम नमो महम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वय वाङ्मन संगमचरम्। श्लोक नंबर 14 कहता है अमेजिंग सैल्यूटेशन टू मी हू आइदर डज नॉट पोजेस एनीथिंग और पोजेसेस एनीथिंग दैट कुड बी रेफर्ड बाय स्पीच और माइंड। कोई ऐसी चीज नहीं है, आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसको ये कुछ भी नहीं, जिसका यह कुछ भी नहीं है, अथवा जो वाणी मन से समझ आ जाता हो, समझ आता है, वह सब जिसका है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार हो गए। ये जो आपको अनुवाद दे रहा हूं ये गूगल का अनुवाद है, इसका अनुवाद दूसरा भी है लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं हो पाया। तो आपके पास जो अनुवाद आ रहा है वो गूगल का अनुवाद है। तो अनुवाद मैं सिंपलीफाई करके आपको दे रहा हूं, मैं आश्चर्य में हूं, मैं हैरान हूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 में भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदिन। कुछ लोग उस परमात्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, उस आश्चर्य को लोगों को आश्चर्य की तरह बताते हैं, लोग भी उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद कमबख्त कोई भी समझ नहीं पाता आश्चर्य क्या, या वंडरमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा वंडरमेंट है, जब आदमी जब नदी समुद्र से मिलती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वंडरमेंट है, जब आदमी अपने परमात्मा स्वरूप को जानता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जब व्यक्ति समष्टि से मिलता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जब आदमी नदी समुद्र बनती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जब व्यक्ति परमात्मा बनता है, उस आश्चर्य को प्राप्त व्यक्ति को कोई फिर और चीज आश्चर्यचकित नहीं कर सकती।
और वो आश्चर्य में अष्टावक्र की राजा जनक उस आश्चर्य में फंस हैरान है, मुझको नमस्कार हो। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन लग रही है, ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, ये अनुभव की बात है। ये वो अनुभव की बात है जब आदमी कहता है यार मैं कहां भटकता था, कहां गली गली कूचे कूचे भटकता था, किसके लिए? उसके लिए जो मेरे भीतर था। आश्चर्य सब कुछ है लेकिन इसे मन वाणी का विषय नहीं है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू लैंग्वेज। गूंगा क्या बताएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, जिनको हुई है, बाय द वे मुझे नहीं हुई, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे अभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुई, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, बट उस रस्ते में हूं, उस रस्ते में हूं। वो तारा नजर आ गया, तारा नजर आ गया, लेकिन रस्ते में हूं। कहानी है ना प्लूटो मेटाफर की, एक ने बाहर जाके देखा तो अंदर आया, लोगों को बोला, दूसरे को तारा नजर आ गया लेकिन बाहर नहीं निकला। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया उनकी वाणी क्या कहती है? वह कहते हैं माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ढूंढ रहा था मैं, कहां ढूंढ रहा था, किसको ढूंढ रहा था? तू ढूंढता है जिसको बस्ती में जाके वन में, तू ढूंढता है जिसको बस्ती में जाके वन में, वो सांवला सलोना रहता है तेरे मन में। सो हम सब लोग उस परम तत्व को ढूंढ रहे हैं, और जिन्होंने परम तत्व को ढूंढ लिया उनकी वाणी अष्टवक्र गीता। जिन्होंने अष्टवक्र को, अष्टवक्र कहते हैं जिन्होंने परमात्मा को ढूंढ लिया, उनकी वाणी है अष्टवक्र गीता। वो सत्य को डंके की चोट पे बोलते, वो जी हजूरी नहीं करते, वो दीन दरिद्र भाव नहीं रखते। जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, आई एम द मोनार्क ऑफ सर्वे, जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है वो द किंग ऑफ किंग है। शहंशाह राम की किताब पढ़ो, शहंशाह राम की वाणी सुनो, तो वो कहते हैं लीज करवट तो मैंने जाना के राम मुझ में, राम मैं राम में। शहंशाह राम की वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन पढ़ो, हाथ हिलते हैं हमारे कि ये आदमी कैसे बोल के आए। अनुभव की बात है, मैंने अनुभव नहीं किया, आई एक्सेप्ट इट, आई कन्फेस इट। सो ये मैं अनुभव से नहीं बोल रहा जो मैं बोल रहा हूं आपको, और जब अनुभव हो जाएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। रस्ते पे हूं, तारा नजर आ गया, गुफा से एक दिन निकलूंगा जरूर, लेकिन जो निकल गए उनकी वाणी बता रहा हूं, और उनके उनके सुनने पे लगता है That makes sense। जो बेकार की बात बोल रहे हैं उनकी सुनने पे लगता है तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कैसे मुझे। डोंट गिव मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस एंड रबिश, सीधी बात कर कि मैं हूं को, मैं आया किस लिए हूं, मैं मेरा पर्पस क्या, आप इस संसार में किस लिए आए हो, आप इस संसार में किस पर्पस के लिए आए, आपका रीजन लॉजिक तर्क वितर्क बेकार है। अठन्निया चवन्निया जमा करने नहीं आए, रिश्तेदारियां निभाने नहीं आए, अब अठन्निया चवन्निया जमा करने नहीं आए, रिश्तेदारियां निभाने नहीं आए, नाम यश सम्मान के लिए भी नहीं आए, वो भी टेम्पररी है। आप एक ही मकसद के लिए आ रहे हो, वो है ब्रह्म ज्ञान। और आश्चर्यचकित है, आश्चर्य जब हो जाता है तो कहता है राजा जनक, मैं मन और वाणी से समझाया नहीं जा सकता। ये फकीरों को भी मिल जाता है और शहंशाह लुट जाते हैं, ये फकीर भी प्राप्त कर लेते हैं और शहंशाहों के हाथ में नहीं आता। ये अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और स्कॉलर लोगों के आंखों से निकल जाता है।
ये बीमार से बीमार व्यक्ति का अनुभव हो जाता है और ये हेल्दी लोगों के हाथ से छूट जाता है, ये कमजोर से कमजोर व्यक्ति के अनुभव में आ जाता है। और जो धुरंधर है, बलशाली है, जिनके जमीन पे पांव रखने से जमीन हिल जाए, उनके पांव से फिसल जाता है। आश्चर्य आश्चर्य। 28वां श्लोक अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 28 भगवत गीता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् नाम। कुछ लोग उस परमात्मा के अनुभव को आश्चर्य से देखते हैं, लोग उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह भूलते हैं। जब आप कोई चीज आश्चर्यवत देखो, वंडर देखो, तो आप लोगों को उस वंडरमेंट की तरह ही बोलोगे। लेकिन आश्चर्य होने के बाद जब आश्चर्य देखा, आश्चर्य बोला, लोगों ने भी आश्चर्य को आश्चर्य की तरह सुना। आप भी मेरी इस वाणी को पूरी ध्यान से आश्चर्य से सुन रहे हो, लेकिन चैनल चेंज करते ही तो इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां लुटा कैसे, ये बता कि मैं कंफ्यूज हुआ क्यों, मैं इस दलदल में फंसा क्यों, मैं इस क्वैगमायर में फंसा क्यों, आप इस मोह के दलदल में फंसे क्यों, आप इस कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसे क्यों, आप इस क्रोध भय के गुंजल में फंसे क्यों, न इधर उधर की ना बात कर, साफ बता। फंसा इसलिए क्योंकि तू अपने आप को नहीं जानता। मैं फंसा इसलिए क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, और जो वास्तविक स्वरूप जान जाए तो त्रिपुटी होती है, ग्लोरी आती है, त्रिपुटी आती है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15 त्रिपुटी पे बात करता है भगवान। शैवाइट्स यहां तीन ये लगाते हैं, तीन त्रिपुटी से शायद त्रिपुटी बना, त्रिपुटी बालाजी बना, मुझे आई एम नॉट श्योर बट अजम्पशन है। ये त्रिपुटी क्या है? श्लोक नंबर 15 अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 15 अध्याय नंबर 2 अष्टवक्र गीता। ज्ञानं गेयं तथा ज्ञाता ते त्रयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति यत्रेदम् सोहमस्मि निरंजन। ज्ञानं गेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति यत्तद्रम् सोहमस्मि निरंजन। अष्टवक्र कहते हैं नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, दीज थ्री डू नॉट एग्जिस्ट इन रियालिटी। द फ्लॉलेस सेल्फ अपीयर एज दीज थ्री ड्यू टू इग्नोरेंस। ज्ञानम गेयम ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में मैं नहीं हूं। ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है वह निष्कलंक मैं ही हूं। ये जो संसार दिख रहा है हमें इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये संसार जो दिख रहा है ये त्रिपुटी के कारण है, मैं त्रिपुटी से ऊपर हूं। ज्ञानम गेयम ज्ञाता, तीनों यथार्थ नहीं है, चाहे ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं। मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष नहीं। तीन शब्द हैं, गेयम ज्ञान और ज्ञाता, गेयम ज्ञान और ज्ञाता। कल जब हम मिलेंगे मैं इस पर फ्रेशली आपसे डिस्कस करूंगा इन तीनों शब्दों में। इसे त्रिपुटी कहते हैं, जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानता है। यदि आप नहीं समझे तो इसी बात को 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति ने इसी बात को थोड़े से और तरीके से कहा। उससे पूछा गया, अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए,
अब्राहम लिंकन से पूछा गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी? ही सेड, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल. बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल. परमात्मा द्वारा, परमात्मा के लिए, परमात्मा में ज्ञान है. लेकिन ये ज्ञान परमात्मा द्वारा, परमात्मा के लिए त्रिपुटी कहा जाता है. पर्पस क्या है? इनसे ऊपर उठना. तो मैं कहानी बहुत बार सुनाई है, लेकिन क्योंकि आपको रेफरेंस दिया तो मेरा बताना फर्ज बनता है. ये प्लूटो मेटाफर है. प्लूटो मेटाफर के अंदर एक पूरी की पूरी प्रजाति, एक पूरा का पूरा समाज, एक पूरा का पूरा कुनबा एक गुफा में रहता था. और वो उनको ये भी नहीं पता था कि ये गुफा है. उनको नहीं पता था ये गुफा है. उसी अंधेरे में वो जी रहे थे. तुम्हें जिंदगी के उजाले मुझे मुबारक, अंधेरे मुझे आज रास आ गए. अंधेरे रास आ गए थे उनको. अंधेरों में वो खुश थे. लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था. उसके अंदर मुमुक्षु आया. वो बाहर जाने की सोचा. सबने कहा कुछ नहीं है बाहर. सबसे पूछा कुछ है? कुछ है? किसी को पता भी नहीं था बाहर कुछ है, क्योंकि अंधेरा. अंधेरे हमें आज रास आ रहे हैं. हमें आज अंधेरे रास आ गए हैं. आपको भी, मुझको भी. हमको इग्नोरेंस नॉर्मल लगती है. इग्नोरेंस हमें नॉर्मल लगती है, क्योंकि सब अंधेरे में है. सब अंधेरे में है तो हमें नॉर्मल लगता है. लेकिन वो लड़का उठा, गिरा, पड़ा, चोट खाई, घबराया, लेकिन चलता गया. और काफी दूर चलने के बाद उसे तारा नजर आया. That's what I'm talking about, the light. तारा नजर आया. उस तारे के सहारे बाहर निकला. और जब तारे के सहारे बाहर निकला तो उसने समुद्र देखे, बादल देखे, पेड़ देखे, फूल देखे, पंखुड़ी, तितलियां देखी. नाचा, गाया, झूमा, खुशबू देखे, फल फ्रूट देखे. नाचा, गाया, झूमा, इंजॉय किया. अंधेरों से बाहर आ गया था. लेकिन फिर उसे याद आया कि मेरा पूरा का पूरा समाज गुफा में अटका हुआ है. तो दोबारा गुफा में गया, उस केव में गया, और लोगों को कहने लगा, ये केव है, ये गुफा है, या अंधेरा है, बदबू है, सड़न है, गलन है. बाहर हवा है, ताजगी है, पेड़ है, फूल है, फल है. सबने कहा ये पागल हो गया. अंधेरे हमें आज रास आ गए. तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक. लेकिन बोलता रहा. जिसने उजाला देख लिया था. काफी बोलने के बाद एक लड़का आया, कहने लगा I'm with you. दोनों चले. दूसरा लड़का घबराया, वो भी गिरा पड़ा, क्योंकि ना तो उसे लाइट नजर आई थी और ना ही अब उसकी कुनबा भी छूट गया था. लेकिन काफी चलने के बाद दोनों को लाइट नजर आई. उस लाइट के सहारे दोनों बाहर निकले. दोनों नाचे, गाए, झूमा, और काफी देर इंजॉय करने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे को बोला, अब तुम अंदर जाओ और एक को वापस लेके आओ. तो हमारे जो गुरुजन है वो उजाले को देख के हमारे जीवन में आते हैं. हमें अगर एक बार लाइट नजर आ जाए, उनका, उनकी उंगल पकड़ लो, उनका दामन पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, और एक बार तारा नजर आ जाए, फिर आप अंधेरे आपको रास नहीं आएंगे. फिर आप ये नहीं कहोगे इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. देन यू वॉन्ट से इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. सोचिएगा इस बात पे. हरिओम तत्सत. ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।